आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। सामूहिक विवाह में 55 जोड़ों ने रचाई शादी, सत्येंद्र राय सहित दर्जनों गणमान्य हस्तियों ने दिया आशीर्वाद। आजमगढ़ जिला के बिलरियागंज ब्लॉक के मुख्यालय प्रांगण में शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें सगड़ी तहसील के अजमतगढ़ ब्लॉक, हरैया ब्लॉक, बिलरियागंज ब्लॉक से सब 55 जोड़ों ने अग्नि के 7 फेरे लिए और 7 जीने मरने की कसम खाई। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष सत्येंद्र राय ने वर वधु को आशीर्वाद देकर लंबे समय तक हंसते मुस्कुराते जीवन व्यतीत करने के लिए भगवान से कामना की और आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने वालों की कड़ी में रामपाल सिंह, पूर्व ब्लॉक प्रमुख रमेश यादव, शैलेश तिवारी, प्रवीण शुक्ला, बंटी राय, श्रीराम यादव, समाज कल्याण अधिकारी व विकलांग विभाग के अधिकारी तथा खंड विकास अधिकारी बिलरियागंज ब्लॉक प्रमुख हरैया संतोष सिंह सहित क्षेत्र के तमाम गणमान्य लोग मौजूद थे। इस मौके पर थाना अध्यक्ष बिलरियागंज विजय प्रकाश मौर्य मैफोर्स के साथ मौजूद थे। इसके अलावा कंधरापुर, रौनापार, जीएनपुर, महाराजगंज आदि थानों की महिला और जेंट्स पुलिस सुरक्षा के लिए कदम कदम पर तैनात थे। मनोरंजन के लिए शाह आलम सामरिया एंड ग्रुप द्वारा लोकगीत का प्रस्तुतिकरण करके लोगों का मन मोह लिया। न्यूज 9 भारत के लिए आनंद गुप्ता के साथ रोशन लाल की खास रिपोर्ट। क्या नाम पड़ेगा आपका? सिद्धू भारती नाम है। सिद्धू जी, आज ये जो सामूहिक विवाह हुआ है सरकार की तरफ से जी, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। इस शादी के माध्यम से आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम यही देना चाहते हैं कि जितने लोग गरीब लोग हैं, अगर उनके पास मतलब बजट नहीं, पैसे नहीं है, तो इसके माध्यम से वो अपने बेटी की जितनी खुशियाँ रहेंगी उसको पूरा कर सकती हैं। इसलिए हमारा अनुरोध है कि जो हमारे इस मैसेज को देखेंगे या पढ़ेंगे या सुनेंगे, तो वो अपनी बेटी को इसके माध्यम से मतलब शादी कर सकती हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहाँ के रहने वाले आप हैं? हम हैं ब्लॉक हमारा महाराजगंज पड़ता है, ग्राम जो है नवरात्रिपुर खालसा पड़ता है। जी, और कुछ आप कह रहे थे और कुछ कहना चाहते थे आप? जी जी, कहना यही चाहते थे कि सुविधा सरकार की तरफ से मिलती है जो, और यहाँ पे सम्मानित लोग आते हैं और सबको सम्मान देते हैं और बढ़िया से शादी ब्याह भी होता है। क्या सम्मान मिला शादी के समय आपको जी? क्या सहयोग मिला सर? सहयोग में हमको देखो मोबाइल मिला है और एक शादी का मिला है सामान, और बक्से में जो भी है अभी हम उसको देखे नहीं, और कुछ पैसे भी मिलेंगे। आज से आप अपने जीवन का प्रारंभ कर रहे हैं, दाम्पत्य जीवन, सामाजिक जीवन में बंधे हैं जी, तो आने वाले दिनों में देखा जाता है अक्सर छोटी मोटी बात को लेकर मियां बीवी में नोकझोंक झगड़ा हो जाती है जी जी। हाँ जी, तो अगर ऐसी परिस्थिति आ गई तो कैसे आप झेलेंगे? देखिए, हमारे कहने का मतलब ये है, दो मतलब प्राणियों का रिश्ता है तो गलती तो होती रहेगी। गलती करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन गलती करते रहना ये बहुत बुरी बात होती है। तो हम लोग मतलब करीबन 6-7 साल से बात कर रहे थे और दोनों लोग हमारे परिवार में सहमत हुए और हम लोग आपस में शादी ब्याह करते। क्या हैं? हम पढ़ाई करते हैं और तैयारी भी करते हैं। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? SSC की कर रहे हैं, SSC मॉडलिंग एग्जाम की। क्या बनने का इरादा है? अब SI में डाले थे तो 2 नंबर से छंट गया, और UPP की वैकेंसी आ रही, उसी की तैयारी जी। जो हमसे पुलिस की नौकरी करें जी। क्या नाम पड़ेगा आपका मैडम? सुमन कुमारी। हाँ जी सुमन जी, बताएं कि आज आपकी शादी सामूहिक विवाह हुई है, आप कितना संतुष्ट हैं इस शादी से? बहुत खुश हैं। मतलब आप इस शादी को अच्छा बता रही हैं, इस तरह से होना चाहिए, सरकार ने जो ये सहयोग किया ऐसा होना चाहिए। ये जो सरकार जो नियम चलाए हैं, ये गरीबी रेखा के लिए बहुत सही, बहुत अच्छा। बाप लोगों को, माँ लोगों को बेटी के रूप में खुशी पूरा हो जाएगी। अच्छा, शादी के बाद एक जिम्मेदारी आ जाती है महिलाओं को, घर संवारना, संभालना। सपोज दैट आपके पति देव कहीं बाहर हैं, प्रदेश में हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, इसी हालात में आपके ऊपर घर की जिम्मेदारी आएगी, बच्चे भी होंगे भविष्य में, ऐसी परिस्थितियों में बच्चे पड़ोसी का गुस्सा लेके आके माँ के ऊपर उतार देते हैं, क्या करेंगी आप? बच्चों को समझाएंगी या मारेंगी? समझाएंगी। और उस बात को लेके कभी बात विवाद परिवार में उत्पन्न हो गया तो कैसे झेलेंगी आप? नहीं, के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाजत, नमस्कार।